राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान। तो आज मैं आपको पशु ब्याता है, बच्चा देता है, देने के बाद जो पशु जेर नहीं गिराता उसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जो पशु ब्याया है, बच्चा दिया है और उसको 24 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर पशु ने जेर नहीं गिराई है, उसके बाद ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, पशु जेर गिरा देगा। तो देखिए, ऐसा अचूक फार्मूला 24 घंटे से पहले आपको नहीं देना, 24 घंटे आप इंतजार करें, उसके बाद 24 से 36 घंटे के बीच में आप ये फार्मूला दे सकते हैं। और दोनों चीजें, दो चीजें इसमें मिलानी है, दोनों चीजें अपने घर मिलने वाली है, कहीं से बाहर। देखिए, जो हमारा पशु ब्याया है, बच्चा दिया है और उसने जेर नहीं गिराई है, तो जेर जब पशु नहीं गिराता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है किसान को, पशुपालक को। उसमें देखिए, जब पशु पूरी जेर नहीं गिराता तो उसके आने वाले टाइम में पशु पूरे दूध पे नहीं चलेगा, बार बार रिपीटर होगा, फूल पीछा दिखाने लग जाएगा, अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती है। और पशु जेर कब गिराता है, जब पशु ब्याने के बाद लगभग आप 24 घंटे उसका इंतजार करें, 24 घंटा इंतजार करने के बाद फिर अपने जो पशु जेर नहीं गिराता है तो फिर ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ वो दो चीजें हैं और कहीं से बाहर से लेके आने जरूरत नहीं है, अपने घर मिलने वाले। इसमें देखिए, जेर नहीं गिराने का कारण क्या है, हम पशु को घुमाते नहीं है, टहलाते नहीं है। जब भी पशु ब्याता है, बच्चा देता है, देने के एक दिन 12 घंटे बाद उसको थोड़ा बहुत टहलाएं, घुमाएं, घुमाने के बाद आप पशु जेर गिरा देता है। अगर नहीं भी गिराता है तो आप देखिए इस फार्मूले को इस्तेमाल करके उस पशु की जेर गिरा सकते हैं। इसमें देखिए, आपको सबसे पहले 250 ग्राम सरसों का तेल घर निकाला हुआ प्योर ओरिजिनल तेल होना चाहिए वो ले लें, और 500 ग्राम आप कच्चा दूध ले लें। उसके अंदर दूध के अंदर पाया दूध यो सरसों का तेल मिला करके उसको गर्म करें। गर्म होने के बाद जब गुनगुना गुनगुना ठंडा हो जाए अपने पशु को पिला दें। पिलाते ही पशु जेर गिरा देता है। लेकिन आपको देना कब है, पशु ब्याए हुए, बच्चा दिए हुए 24 घंटे हो जाए, 24 और 36 घंटे के बीच में आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो देखिए, जो पशु जेर नहीं गिराता है उसका मैंने आपको पहले बताया था, और कई भाई बोलते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले आपको जो फार्मूला बता दिया है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको और अच्छी जानकारी, ये जेर नहीं गिराने के कारण क्या है, जब भी हमारा पशु ब्याता है, बच्चा देता है, देने के बाद हम अपने उसको जो काफ होता है, कटड़ा कटड़ी होता है, उसको हम दूध नहीं पिलाते, उसको लगाते नहीं। तो जब भी पशु बच्चा दे आप उसको दूध पिलाएं। जब भी पशु मतलब ब्याएगा, पोसेगा, तो उसके अंदर हार्मोन्स पैदा होंगे, हार्मोन्स पैदा होंगे तो पशु जेर गिरा देगा। और दूध पिलाने के बाद पशु की जो लेवटी खाली हो जाती है, खाली होने के बाद पशु बैठ जाता है, बैठने के बाद पशु जेर गिरा देता है। तो आप सबसे पहले पशु को जो जो बच्चा है, काफ है, उसको उसका दूध जरूर पिलाएं। तो एक बात और बता देता हूँ, जो पशु जेर नहीं गिराते और हम डॉक्टर को बुला करके पशु की हाथ से जो जेर निकालते हैं, ये गलत काम आप कभी भी ना करें। जिन पशुओं के हम हाथ से जेर निकालते हैं वो पशु कभी भी दूध पर नहीं आते, आने वाले टाइम में हीट पर नहीं आते, और आने वाले टाइम में बार बार रिपीटर होते हैं, फूल पीछा दिखाने लग जाता है। तो आप हाथ से जेर कभी भी ना निकालें, आप इंतजार करें 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी पशु मतलब पूरे उसका जो अंदर ज्वाइंट लगे हुए हैं, क्लिप लगे हुए हैं, वो चिपकी हुई है, वो अपने आप वहां से जगह नहीं छोड़ती जब तक पशु की पूरी जेर नहीं निकलती। हम हाथ से धक्का करके निकालते हैं, वो आधी रह जाती है, आधी टूट जाती है, बीच में टूट जाती है, और पशु हमारा आने वाले टाइम में पूरा दूध पी नहीं आता। तो देखिए, आप हाथ से जेर कभी भी ना निकलवाएं। जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये फार्मूला दे करके आप अपने पशु की जेर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारा यूट्यूब पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पेज पर पहली बार जुड़े हैं, पेज को फॉलो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सब वीडियो आपको मिलती रहे। सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान।